वेलकम टू एड्यूज, मैं विकास कुमार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसका ढलान यानी स्लोप निकालने के लिए सीखे थे, और क्या सीखे थे तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसको सीखे थे। अब स्लोप में जो रिलेशन होता उसको भी देख लेते। हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे जो उसमें पढ़े हुए थे कॉन्सेप्ट में। चलिए देखिए, दिया हुआ है कि बिंदु 3, 6 और -2, -6 के बीच की दूरी क्या होगा। हम लोगों ने हम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या बताए थे, डिस्टेंस फॉर्मूला बताए थे कि d बराबर होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब हमको देखना है इसमें कि x2 कौन है, x1 कौन है, y1 कौन है और y2 कौन है। यहाँ वाला जो पॉइंट वो हो गया आपका x1, ये है आपका y1, यहाँ जो है वो है x2 और यह है आपका y2। इसी को यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या होगा x2 - x1। x2 क्या है, -2 है, x1 क्या है, 3 है, प्लस y2 क्या है, -6 है, y1 क्या है, 6 है। चलिए -3 और -2 क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस -6 और -6 -12 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, -12 का स्क्वायर कर देंगे। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 169 और क्या हो जाएगा, 13। यानी कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो कितना होगी, 13। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखा, डिस्टेंस निकालने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि बिंदुओं 4, 6 तथा 3, -8 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात क्या है। हम आपको बताए हैं कि जिस अक्ष का नाम लेगा उस अक्ष का ही सिर्फ कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, जिस अक्ष का नाम नहीं लेगा उस अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर किस अक्ष का नाम है, एक्स अक्ष का है, इसका मतलब कि वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0। 4, 6 और 3, -8 ये पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। इसको मान लेते हैं P पॉइंट है, Q है, कोई तीसरा पॉइंट है जो R है, X और Y का गुणनफल। किस अनुपात में, हम M अनुपात N ले लेते हैं, इसी M अनुपात N को निकालना। अब जिक्र क्या किया, X अक्ष को, जब X अक्ष का नाम लिया इसका मतलब कि Y का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर 0 है, तो Y की जगह पर क्या लिख देंगे। अब हम आपको फॉर्मूला जो बताए थे सेक्शन फॉर्मूला का, वो क्या था कि y कोऑर्डिनेट जब निकालना रहता था तो y m y 2 प्लस n y 1 बटे m प्लस n था। y का वैल्यू कितना है, 0 है, 0 रख देंगे, m क्या है, m रहने देते हैं, y 2 कितना है, -8 है, प्लस n को n रहने देते हैं, y 1 कितना है तो 6 है, m प्लस n बराबर के सट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -8m 6n, 8m को भी इधर लाइए, 8m = 6n, या m/n बराबर हो जाएगा 6/8, या बोल सकते इसको 3/4, यानी क्या हो जाएगा, 3/4 या 3:4 हो गया। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कर रहा है, किसी त्रिकोण के केंद्रक का निर्देशांक क्या है जिसके कोने ए 2, 5, बी जो है -4, 0 और सी क्या है 5, 4 है। यानी कि तीनों बिंदु दिया हुआ है और क्या निकालना है आपका, केंद्रक का निर्देशांक। हम केंद्रक बोले किसको थे, चलिए तीनों पॉइंट को लिख लीजिए, यहाँ ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए का क्या था, x1 y1, बी का क्या था, x2 और y2, सी का क्या था, x3 y3, और जो केंद्रक था वो क्या था, माध्यिका का कटान बिंदु था, उसका जो निर्देशांक है वो है x y। अब इसी केंद्र का निर्देशांक हमको निकालना है, क्या बताए थे कि gxy बराबर होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर देखिए ये क्या है आपका x1 है, ये y1 है, ये क्या है आपका x2 है, ये y2 है, यहाँ पर चलते हैं ये आपका x3 और ये क्या है y3।
एक्स वन कितना है तो टू, एक्स टू कितना है माइनस फोर, एक्स थ्री कितना है फाइव है, वाई वन कितना है फाइव, वाई टू कितना है जीरो और वाई थ्री कितना है फोर है। चलिए यहाँ पर कितना होगा तो चार माइनस फोर है, मैं टू जाएगा तो माइनस टू, फाइव जाएगा तो यह थ्री, थ्री बाई थ्री हो जाएगा। यहाँ पर पाँच चार नौ, नौ बट तीन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से होगा वन और यहाँ से थ्री। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर क्या कर रहा है। बिंदु पी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। पी कहाँ पर है तो रेखाखंड जो ए बी है उसका मध्य बिंदु है। अब आगे देखते हैं, पी के निर्देशांक एक तीन है, पी का निर्देशांक क्या है एक तीन है, जो कहाँ पर है तो ए बी का मध्य बिंदु है, और ए के निर्देशांक दिया हुआ है माइनस तीन और आठ है। बिंदु बी के निर्देशांक क्या हुआ है ये आपको निकालना है। चलिए ये आपका ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका कहाँ पर है तो मध्य बिंदु है, इस पी का पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पी का निर्देशांक तो वन और थ्री है, ए का निर्देशांक क्या है माइनस थ्री, बी का निर्देशांक क्या है नहीं दिया हुआ है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि एक्स का एक्स और इसका वाई है। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या किए थे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक इसको हम लोग एक्स वन वाई वन मान लेते हैं या एक्स टू वाई टू मान लेते हैं, ये एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वन और वाई वन है, तो क्या हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले थे कि एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये हो गया क्या आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। यहाँ पर भी वही करते हैं, पी इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, कितना दिया वन और थ्री दिया हुआ है, हमको निकालना किसका है बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स को यूज करेंगे तो एक रखेंगे, जब एक एक्स वाला रख रहे हैं तो क्या है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, यहाँ से एक्स वन पकड़िए, एक्स वन कितना है माइनस थ्री प्लस एक्स टू क्या है एक्स टू को एक्स टू रहने देते हैं बाई टू, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा माइनस थ्री प्लस एक्स टू, थ्री भी इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू बराबर फाइव आ गया। चलिए अब हम लोग वाई टू निकालते, वाई टू कैसे निकालेंगे तो वाई का निर्देशांक क्या दिया हुआ है थ्री दिया हुआ है, थ्री रख, फिर क्या लिखते हैं वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन क्या है आठ है प्लस वाई टू बाई टू, इधर आएगा आपको टू तो क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा थ्री इंटू टू यानी सिक्स, एट प्लस वाई टू, आठ इधर आगे घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू बराबर वाई टू, यानी वाई टू का निर्देशांक क्या आ गया माइनस टू आ गया। अब बोलेगा कि आपका बी का निर्देशांक क्या हुआ तो क्या बोलेंगे हम इसको कि पाँच और माइनस टू। आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।